छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के इस अंदाज से हर कोई हैरान क्यों है? आखिर कांग्रेस को कोसना क्यों भूल गए पीएम मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर कांग्रेस पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। वो जहां भी भाषण देते हैं उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही रहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के भिलाई में पीएम मोदी का ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई में लोगों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उनके निशाने पर पूर्व की सरकारें तो थी, लेकिन उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान एक बार भी कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अपने बदले हुए अंदाज में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पुरानी सरकार जिन इलाकों में सड़कें तक बनाने से पीछे हट जाती थी, आज वहां सड़कों के साथ हवाई अड्डे बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई जहाज में बैठ सकें। इस दौरान पीएम इशारों में कांग्रेस पर तो जमकर बरसे, लेकिन कांग्रेस का नाम लेने से गुरेज करते दिखे। उन्होंने कहा कि रमन सिंह पिछले 10 साल से आईआईटी की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकार के बारे में तो आप जानते ही हैं। आमतौर पर राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को तिलक तराजू और तलवार वालों की पार्टी कहकर पुकारा जाता है। इतना ही नहीं, विरोधी दलों के नेता इस नाम से बीजेपी पर चुटकी भी लेते हैं। लेकिन भिलाई में मोदी के भाषण से साफ तौर पर झलक रहा था कि वो बीजेपी की छवि को तोड़कर नई छवि ढाल रहे हैं। अपने लगभग आधे घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 7-8 बार गांव, गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़ों को ताकीद करते हुए बीजेपी सरकार को उनका समर्थक बताया। जाहिर है कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह कांग्रेस का नाम लेने से परहेज किया, उससे हर किसी का हैरान होना लाजमी है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।